आप जब google.com खोलते हैं तो आपको क्या नजर आता है? यकीनन आपको गूगल का एक लोगो, एक सर्च बॉक्स और उसके अलावा कुछ लिंक्स ऊपर या नीचे, इसके अलावा आपको बाकी सारा वाइट पेज नज़र आता है। और अगर आप यही google.com किसी और ब्राउज़र में खोलें, मोबाइल में खोलें या किसी और जगह पे भी जहां पर भी इंटरनेट अवेलेबल है और ब्राउज़र चलता हो, वहां पर आपको google.com एज इट इज़ नज़र आएगा। सो गूगल अपने सर्च इंजन में बहुत सारी चेंजेस लेकर आता है, लेकिन गूगल पिछले 20 साल से अपना होम पेज एक जैसा ही रखा हुआ उसने। सो ये 2008 में गूगल इस तरह से नज़र आता था। ये एक सैम्पल है गूगल की सर्च पेज उस वक्त कैसे था, लेकिन 2018 में गूगल ने अब तक कितनी चेंजेस कर लिए हैं, आपको काफ़ी चीज़ें नई नज़र आएंगी जो आपको पहले नज़र नहीं आई थी। सो ये गूगल कैसे करता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो कौन कौन से नए फीचर्स हैं जो गूगल डाल चुका है और उन सेक्शंस को क्या बोलते हैं और वो सेक्शंस कब कब किस किस तरह से नज़र आते हैं। तो गूगल ने पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की हैं डिज़ाइन के अंदर भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता और हम देखते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि क्या वो हैं और हम कैसे उसको रोज़ाना अपनी लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट आंसर बॉक्स। सो अगर आप गूगल से कोई आंसर पूछें तो वो आपको जवाब देना चाहता है। गूगल एक आंसर इंजन है और हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। सो गूगल की कोशिश ये होती है कि आपको वो अगर सवाल समझ जाए आपका, वो डायरेक्टली उसको आंसर करना चाहता है, और इस आंसर को प्रोमिनेंट करने के लिए वो बाकी रिजल्ट से डिफरेंट डिज़ाइन दिखाता है। और वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आता है कि वो अपने आंसर को प्रोमिनेंटली एक जगह देता है, उसमें आपके सवाल का जवाब होता है, जहाँ पर उसको इमेजेस दिखाने हैं वो इमेजेस भी दिखाता है और साथ रिलेटेड सर्चेस भी दिखाता है उसके बारे में। सो ये एक चेंज है जो गूगल ने पिछले 10 सालों में की है। फिर दूसरी चेंज ये है कि गूगल फीचर्ड स्निपेट्स के नाम से आपको मुख्तलिफ चीज़ें हाईलाइट करके दिखाता है, जिनमें सबसे पहले पैराग्राफ्स हैं। तो अगर आपकी क्वेरी किसी ऐसी चीज़ के बारे में है जो इन्फॉर्मेशन मांग रही है, वो आपको गूगल उसके बारे में एक पैराग्राफ दिखाएगा और वो इस तरह से आपको नज़र आएंगी कि उस जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको फ़ौरन गूगल पर ही पता चल जाए। अगर आपका कोई छोटा सा जवाब है जो आपको गूगल के ऊपर ही मिल गया है, तो आपको मज़ीद क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मज़ीद उस वेबसाइट पर जाएँ और उस वेबसाइट को खोल कर उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें। सो गूगल यही चाहता है कि आप वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर से ही ले लें, और अगर आपको इससे बेहतरी मिलती है तो अल्टीमेटली आप गूगल पर ही रहेंगे, ना कि गूगल को छोड़ के अगली वेबसाइट पे जाएंगे। एक और फीचर स्निपेट की एग्जांपल है, वो है बुलेट्स में लिस्ट। सो अक्सर लोग चीज़ें ढूंढते हैं, लेट्स सपोज कोई रेसिपी की कोई पकाने की रेसिपी ढूंढता है, कोई और चीज़ जिसमें लिस्ट का शुमार होता है, वो लिस्ट बेसिकली गूगल आपको अक्सर ऐसे ही दिखा देता है। तो अक्सर आपको स्टेप्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू सेट अप अ कैमरा, हाउ टू ड्राइव योर कार, अगर आप ये सारी चीज़ें ऐसे गूगल से पूछेंगे और उसमें अगर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो गूगल क्या करता है कि अगर गूगल को समझ आ जाए कि आपकी क्यूरी क्या है, वो आपको डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा और वो फीचर स्निपेट की सूरत में आपको बुलेट्स में लिस्ट दिखाएगा, और ये लिस्ट आपके सामने आपको वहीं से मिल जाएगी। मज़ीद आपको ये भी करेगा कि आपको रेफरेंस देगा कि अगर आपने मज़ीद पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एक और गूगल का फीचर है जिसमें वो आपको नंबर्ड लिस्ट दिखाता है। सो अगर कोई स्टेप इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से स्टेप वाइज नंबर चल रहे हैं, तो वो आपको नंबर्ड लिस्ट दिखा देगा गूगल के ऊपर ही, जिसके साथ आपको अगर आपको इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाए तो आप गूगल छोड़कर किसी और वेबसाइट पर नहीं जाएंगे और आप वहीं से अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। सो एक और चीज़ गूगल बड़ी इंपॉर्टेंट करता है, वो टेबल डिज़ाइन है। अक्सर टेबल डिज़ाइन ज़रूरी होता है कुछ खास इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन कॉलम्स के अंदर मिल जाए तो आपको वो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि इस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल इधर जिस तरह से ये अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस तरह से बहुत जगहों पर बहुत एग्जाम्पल्स के साथ आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल जब कन्वर्जन करता है, जब आपको टेबल्स दिखाता है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट करना, इन्फॉर्मेशन हज़म करना बहुत आसान हो जाती है। और गूगल ये भी सिर्फ आपकी आसानी के लिए करता है, वो तब जब गूगल को ये लगता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी और ये एक वही इन्फॉर्मेशन है जो आप ढूंढ रहे हैं। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आपने देखी होगी, खसूसन जब आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हों जिसके रेटिंग्स आपको चाहिए हो या उसकी प्राइस आपको चाहिए हो, वो
उसको रिच स्निपेट्स बोलते हैं और वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आती हैं। गूगल ये करता है कि गूगल वेबसाइट से डेटा उठाकर, अगर वो पब्लिक वेबसाइट है जिसमें लोग आके रिव्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करनी है और वहाँ पर एक प्रोडक्ट लगी हुई है, कुछ लोगों ने ख़रीदा उसको और उसके बाद उसको रिव्यू दिया, किसी ने 1 स्टार दिया तो किसी ने 5 स्टार दिया, जब वो स्टार रेटिंग देते हैं तो अल्टीमेटली गूगल उसको शो करना चाहता है कि जो प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हैं इस पर क्लिक करने से पहले ये समझ लें कि ये प्रोडक्ट इतने की बिक्री है और इतनी इसकी रेटिंग है और ये सारी चीज़ें आपको जो मज़ीद चाहिए ये स्टॉक में है या नहीं है, ये आपको गूगल के ऊपर ही गूगल दिखाना चाहता है ताकि आप वहीं पर क्लिक करें जहाँ पर आपको लगता है कि आपको जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोबाइल ढूंढ रहे हैं और आपको मोबाइल की लिस्ट मिल जाए और आप ये देख लेंगे कि कौन सा मोबाइल बेहतर है और कौन सा मोबाइल कितने का लगा हुआ किसी वेबसाइट में और उस मोबाइल के फ़ीचर्स क्या हैं। अगर आप एक ही मोबाइल मोस्टली वेबसाइट्स पर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको सारे फ़ीचर्स सेम मिलें लेकिन प्राइसेस डिफरेंट मिलें। तो आप क्या करेंगे, आप अल्टीमेटली उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको ये लगता है कि वो वेबसाइट आपको हेल्प करेगी या आपको ये लगता है कि वेबसाइट आपको सस्ता मोबाइल दे सकेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको पसंद करते हैं, लेकिन गूगल की कोशिश ये है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर ही दे दी जाए और वो आपको इस सूरत में वो देता है। एक और फीचर है लोकल पैक के नाम से। लोकल पैक का डेटा गूगल मैप से आता है और ये लोकल पैक तब एक्टिवेट होता है जब आप कोई लोकेशन बेस्ड जगह से रिलेटेड कोई आप अगर क्वेरी करें तो वो आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट्स दिखाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट एक फ़िज़िकल लोकेशन होती है जहाँ पर आप जाकर खाना खा सकते हैं। तो अगर गूगल को ये लगे कि आप जो ढूंढ रहे हैं उसके लिए एक लोकेशन मैटर करती है, उस लोकेशन के तहत वो आपको मैप्स दिखाता है और वो मैप्स आपको बताएंगे कि आप किसी जगह से कितनी दूर हैं या किसी जगह से कितने पास हैं और आप फिर ये डिसाइड कर लेंगे कि आपने वहाँ पर जाकर खाना खाना है या वहाँ जाके आपने जो काम करना है वो करेंगे कि नहीं। इसका नाम लोकल पैक है और गूगल आपको इस तरह अक्सर सर्चिज में एक मैप की सूरत में एक आपको लोकेशंस भी दिखाता है और मैप भी दिखाता है। एक और गूगल का इंटरेस्टिंग फीचर है नॉलेज ग्राफ के नाम से। ये नॉलेज ग्राफ अक्सर सर्च के राइट साइड पे आता है। ये राइट साइड पे नॉलेज ग्राफ तब आता है जब आपको कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे कि हमने पहले देखा जब हम कोई किसी एक्टर के बारे में या किसी जगह के बारे में या किसी ख़ास मशहूर बिल्डिंग के बारे में अगर हम सर्च करें तो गूगल उसके साथ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है और अक्सर ये इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया या दूसरे इंसाइक्लोपीडिया से आ रही होती है और जहाँ पर अगर गूगल को मुनासिब लगे तो वो इमेजेस भी दिखाता है, वो मैप्स भी दिखाता है और वो मज़ीद फर्दर लिंक्स भी दिखाता है कि आप शायद ये जानना चाहें या आप शायद इनको भी सर्च करना चाहें। तो इसको नॉलेज ग्राफ बोलते हैं और ये भी गूगल की एक बड़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही है पिछले 8-10 सालों में। जब लोगों ने जैसे ही इन्होंने लॉन्च किया लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और इसकी वजह से लोगों की बहुत सारी रिसर्च आसान होगी क्योंकि उनको मज़ीद क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन जो दूसरी वेबसाइट पर जाकर देखनी पड़ती थी वो गूगल के ऊपर ही देखी जा सकती हैं। इसी से मिलता जुलता एक और फीचर है जिसका नाम नॉलेज पैनल है। नॉलेज पैनल नॉलेज ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें डिफरेंस ये है कि नॉलेज पैनल बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से लेकर आता है। तो नॉलेज ग्राफ में हमने जिक्र किया कि वो विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया से इन्फॉर्मेशन आती है, पर नॉलेज पैनल में इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर गूगल के ऊपर मतलब गूगल की मैप्स लिस्टिंग या दूसरी प्रॉपर्टीज से ही आती है। तो ये सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है लेकिन नज़र ये भी राइट साइड पे आता है और अगर गूगल के पास आपकी मैप्स की लिस्टिंग है मतलब ये कि अगर आप गूगल मैप्स में एज अ बिज़नेस रजिस्टर्ड हैं और आपकी लोकेशन में कुछ फीडबैक है, लोगों ने कोई रिव्यू किया हुआ है, आपका नंबर उसमें एडिड है या आपके उसमें जगह का एड्रेस एडिड है तो गूगल आपकी लोकेशन इस तरह से दिखाएगा उन लोगों को जो आपके बिज़नेस के बारे में सर्च कर रहे हैं। अक्सर गूगल को लगता है कि अगर आप एक चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो आपको मज़ीद चीज़ें भी सर्च करते हैं। तो रिसर्च में खसूसन जब आप एक सवाल पूछते हैं तो उसके बाद आप दूसरा सवाल पूछते हैं, उसके बाद तीसरा सवाल पूछते हैं। ये डेटा सारा गूगल के पास मौजूद होता है और गूगल इसी की बेस पे गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम पीपल मे आस्क, उन्होंने इसी तरह से रखा। उसमें ये करते हैं कि जब आप एक सवाल पूछते हैं तो गूगल को लगता है कि उसका जवाब देना तो ज़रूरी है लेकिन उस जवाब के साथ वो आपको मज़ीद सवाल और भी लिख देता है कि शायद आपको अगला सवाल ये पूछना पड़े या उससे अगला सवाल ये पूछना पड़े। तो जैसे जैसे आप अपने सवाल पर क्लिक करते जाएंगे वो मज़ीद सजेशन दिखाता जाता है और सारे नीचे मज़ीद सजेशन उसकी बढ़ती जाती हैं। तो ये फीचर भी बहुत पसंद किया गया गूगल का क्योंकि लोगों की रिसर्च फिर आसान होगी और चूँकि लोग अपने फेवरेट सर्च इंजन में जाकर रिसर्च करते हैं तो वहाँ से वो सवाल मज़ीद आंसर जान सकते हैं।
एक और फीचर है इमेज पैक के नाम से, जिसमें गूगल इमेजेस आपको दिखाता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का इमेज ढूंढ रहे हैं तो गूगल चाहता ये है कि आप बजाय गूगल इमेजेस के ऊपर जाकर सर्च करें, आपका वो फ़ौरन ही इमेजेस दिखाने की कोशिश करता है। और ये उसको ये लगता है कि अगर जहाँ पर इमेजेस दिखाएगा हो सकता है आपको यहीं से कोई इमेज पसंद आ जाए, और बजाय इसके कि आप नए टैब में या नए ब्राउज़र में उसको इमेज गूगल इमेजेस को खोलें, आप यहीं से उसको क्लिक करके उस पर इंफॉर्मेशन अपनी हासिल कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इसका न्यूज़ बॉक्स के नाम से फीचर है, जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च करें और वो टॉपिक के अगेंस्ट कोई न्यूज़ हॉट न्यूज़ चल रही है, या गूगल को लगता है कि इसके ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर न्यूज़ दिखाई जानी चाहिए, वो आपको न्यूज़ बॉक्स के नाम से एक बॉक्स दिखाता है जिसमें वो लेटेस्ट न्यूज़ या ट्रेंडिंग न्यूज़ आपको दिखा देता है। तो अगर आपका वो ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ वाकया हुआ है या जो न्यूज़ वर्दी चीज़ है, वो उस न्यूज़ की शक्ल में आपको वो दिखाता है और बाकी रिजल्ट वो नीचे दिखाता है। तो इस तरह से आपको अगर न्यूज़ मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है वो उसमें आसानी आ जाती है कि आपको इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिल गई है। तो इस तरह से गूगल अपनी इनोवेशन लेके आता रहता है और वो कुछ चीज़ें नई लॉन्च करता है, लेकिन साथ ही वो कुछ चीज़ें डिलीट भी करता जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं और गूगल कैसे उसको टेस्ट करता है और कैसे इवैल्यूएट करके डिसाइड करता है कि क्या रखना है और क्या नहीं रखना है।